अस्सलाम हाय अल्लाह अरे बेटा आ गई तू हाँ लेकिन आ, आप ये छोड़ें ये छोड़ें क्या कर क्या रही है सही गंदा हो रहा है रात को आंधी चली थी देख ली मट्टी की मट्टी ये ये मुझे दे छोड़े इसे इधर आए बैठे ये बेटा तू तो सफर से आई है थकी हुई होगी बैठे सफर से मैं पैदल चलकर नहीं आ रही थी यहाँ तक आराम से बैठे आप काम में दिल लगा ऐसा वैसा काम करने के लिए तो गई थी गई थी काम करने के लिए आपको पता है बजे फैक्ट्री खुलती है मैं फजर के फौरन बाद वहां पे पहुंच जाती थी थी इतनी उतावली हुई भी होती थी। तेरा भी होती कोई हाल नहीं अम्मा जी मुझे ना सब कुछ बड़ा जल्दी जल्दी सीखना है अगर दसवीं का रिजल्ट अच्छा आ गया और काम में मैंने मन लगाया जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लिया तो जल्दी जल्दी फैक्ट्री में तरक्की मिलेगी हफ्ता हुआ नहीं काम करते हुए तरक्की के खाब देखो अम्मा जी आपको एक बुढ़िया के बारे में बताती हूँ हमारी ना फैक्ट्री में होती हैं उनका नाम है आपदा मैंने तो सोच के रखा हुआ है मुझे अगर तरक्की मिली ना फैक्ट्री में मैंने उनकी कुर्सी पे जाके बैठना बेटा तरक्की के खाब देखना बुरी बात नहीं लेकिन किसी को गिरा कर उसकी जगह लेना भी सही नहीं है लेकिन अम्मा जी ये तो ये तो दुनिया की रीत है ना है जो अच्छा काम करेगा जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे तरक्की मिलेगी वैसे कुछ पकाया आपने भाई बेटा मुझे क्या पता तू आ रही है मैंने तो लस्सी के साथ मक्के की रोटी दोपहर तो को खा ली अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अकेली जान क्या झूला झोंक दी रात के लिए बना दू तुझे कुछ नहीं नहीं अभी कुछ नहीं लेकिन कल सुबह जाने से पहले आपके हाथ के गरम गरम पराठे खाने ठीक है अभी घर चलती है हाँ बेटा जाओ तू तेरी माँ रास्ता और अगर ना तक रही हुई तो क्यों नहीं तकेगी माँ जो हुई माँ बताती नहीं है कि उसके दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत तो हर माँ के दिल में होती है ना